साथ ही मैं ये जुमले भी अर्ज करूंगा कि हमारे मीडिया के जो साथी हैं ना, इनकी बड़ी काविशें हैं। मैं आज नहीं देख रहा, कहीं सालों से इन भाइयों को देख रहा हूँ। जनाब मुख्तार मीर साहब हैं, हमारे मोहतरम अजीज़म जनाब जावेद साहब जो है माशाल्लाह डेली दस्तक से ये वाबस्ता अहबाब हैं। मैं इन्हें एम्स्टर्डम नहीं, शहरों शहरों देखता हूँ। जाहिर है जलसे होते हैं, महाफिल होती हैं, और मुझसे बहुत ज़्यादा ये जलसों में जाते हैं, क्योंकि मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ ना भाई, सहाफ़ी तो ये है ना, तो इनकी तो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं माशाल्लाह। बड़ी मेहनतें फरमाते हैं, हम लोग अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं, मिनट्स में सेकंड्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए कई घंटों की इनकी मेहनतें होती हैं उस न्यूज़ की तैयारी के लिए, उसकी अक्सबंदी के लिए, और इनकी बड़ी मेहनतें हैं। मुख्तार मीर साहब के लिए मैं ये क्रेडिट तो बहरहाल इनको जाता है कि उर्दू ज़बान में जो है यहाँ की मकामी ख़बरें जो हैं जो डच में होती हैं उसे उर्दू में मतलब ट्रांसलेट करना और आवाम तक पहुँचाना, ये इनका काम है माशाल्लाह, ये कारनामा है। और कम्युनिटी की बड़ी खिदमत है, जनाब जावेद साहब बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले हैं, इनकी भी बड़ी खिदमत हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके घर वालों को, इनके बच्चों बच्चियों को ये जो दीन का काम कर रहे हैं इसके बरकत नसीब फरमाए। जनाब अहमद साहब भी माशाल्लाह बड़ी लगन के साथ जो है ये मीडिया का जो ये मामला है हॉलैंड में जो है, ये अल्लाह का करम है, ये सारे नगीने ये सारे हीरे एम्स्टर्डम को मिले हुए हैं माशाल्लाह, एम्स्टर्डम में मौजूद हैं। ये बड़ी मेहनतें फरमाते हैं ये लोग जो है, हज़ार हाँ लोग फिर जो है इसे देखते हैं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को अल-फैज़ान के नाम से जो है ये मतलब ये मीडिया सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है इनका चल रहा है, और बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की खिदमत भी कबूल फरमाए और बरकत नसीब फरमाए। बिला ताखीर अब दावत नात मैं देने लगा हूँ इस शेर पर जो है कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं। अब शेर मैंने यहाँ आने के बाद, फरीदुल इस्लाम आने के बाद, मैं सही कहता हूँ बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, वरना बहुत पढ़ते थे पहले, बहुत पढ़ते थे, ठीक है ना, वजह आप समझ जाए क्या है। तो चमन में फूल का खिलना, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बना दे सहरा को। आलम इस्लाम के मारूफ सनाख्वान जनाब किबला अलहाज कारी शाहिद महमूद साहब पाकिस्तान साहिबाल से आपका ताल्लुक, अल्लाह ताला इन्हें खूब खैर बरकत नसीब फरमाए, इन्हें सलामत रखे, इनकी आवाज़ को सलामत रखे। तशरीफ लाएंगे तमाम ही हजरात, नारे तकबीर रिसालत का पुरजोश अंदाज में जवाब देकर इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सनाख्वान मुस्तफा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। काफ़ी अरसा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हॉलैंड की सरजमीन पर ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस खूबसूरत महफिल जामे मस्जिद फरीदुल इस्लाम में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। दिल की अथाह गहराइयों से जिन्होंने आज की महफिल के इनेकाद का अहतमाम किया है, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी ही प्यारी शख्सियत किबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सज्जाद बरकाती साहिब मदज़िल्ला वलाली, हमेशा ही अच्छे लोग, कोई इज्जत वाला किसी को इज्जत देता है, अच्छे जुमले, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन ये इनकी आला जल्फी है, इनकी शफकत है, मोहब्बत है। हम जो भी हैं ये हुजूर के सदके से हैं, हुजूर की निस्बत से हैं, चाहे मैं पढ़ने वाला हूँ चाहे आप सुनने वाले हैं। तो हमें हमारा जो रिश्ता है सबसे मजबूत रिश्ता वो निस्बत का रिश्ता है कि मैं हम हुजूर का जिक्र करने वाले हैं और आप लोग सुनने वाले हैं। तो अल्लाह ताला इस रिश्ते को हमेशा कायम दायम रखे, चाहे हम दुनिया के किसी खित्ते में हों। अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, इसका अच्छा इस्तेमाल ही करना चाहिए, दूसरे इस्तेमाल तो बहुत हैं, अच्छा इस्तेमाल यही है कि अगर आज ये यहाँ पे मीर साहब, अहमद साहब, जावेद साहब, सईद साहब भी माशाल्लाह बैठे हैं, तो अगर इन्होंने
ये सिस्टम लाइव भी किया है, तो वो जो दूसरे मुल्कों में अपने घरों में बैठे हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे वो जामे मस्जिद फरीदुल इस्लाम में बैठे हैं। तो ये अच्छा इस्तेमाल है सोशल मीडिया का, मुझे खुशी होती है। अल्लाह ताला मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, जितने भी उलमाए कराम हुजूर के गुलाम तशरीफ़ फरमाए, जाहिर साहब से भी काफ़ी अरसा के बाद आप सबकी ज़ियारत हो रही है, शफी भाई हमारे माशाल्लाह, बिसार सही साहब तो माशाल्लाह हमारे साथ पूरा साल रहता है रबता। अल्लाह ताला इनको इनके बेटे को जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का तोहफा है कि इंसान अगर अच्छे रास्ते पे चलता है तो अल्लाह उनकी औलाद की सूरत में एक तोहफा देता है कि अल्लाह ने इनके बेटे को सनाखान बना दिया। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। हमारे राजा हफीज़ साहब अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे और इनके भाई भी साथ तशरीफ़ फरमाए हैं। तो जितने भी ये मेरे सारे मोहब्बत वाले हैं काफ़ी अरसा के बाद आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा जैसे कि किबला बरकाती साहब फरमाए, ऐसा लग नहीं रहा कि 2 साल का गैप आया है। आपका प्यार आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह है। इसकी वजह यह है कि ये रिश्ता हुजूर की निस्बत का है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे कायम है और आगे भी इंशाल्लाह कब्र हशर में भी ये कायम और दायम रहेगा। जुनेद शाह साहब माशाल्लाह दिनहाग से आए हैं और शमरेज आजम रोटरडैम से, अलमेर से हमारे इफ्तखार साहब हमारे बड़े प्यारे मोहतरम, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखें, जिनके मैं नाम नहीं भी जानता लेकिन हुजूर तो सबको जानते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जितने भी सना खान उलमा कराम हुजूर के गुलाम जो जो भी आया है अल्लाह सबका कबूल फरमाए। मैं इंशाल्लाह अपने वक्त में रहते हुए 2-3 कलाम पेश करूँगा आखिर में, क्योंकि मेरी जो पहचान है वो माँ बाप की शान के हवाले से है। अल्लाह सबके माओं को वालिद साहब को सलामत रखे। तो ये आखिर में इंशाल्लाह मैं कलाम पेश कर दूँगा, उससे पहले 2-3 कलाम पेश करता हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह आगाज कलाम आला हजरत से अल्लाह सजाद बरकाती साहब, ये में नात है, हर जगह नहीं पढ़ता लेकिन जहाँ पे सुनने वाले होते हैं वहाँ मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, उसी से आज इंशाल्लाह पहली नात में वो पढ़ूँगा। दुरूद पाक इस यकीन से पढ़े कि हम पढ़ते हैं और सरकार सुनते हैं, पढ़ लीजिए। सबसे पाला हुआ ना हमारा
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا تو لا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کے دلوں کا تو بن گیا بے حیا ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی کون دیتا ہے دے دیکھو پوچھا بھی ہے دینے والا ہے سر چاہ ہمارا نبی 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 دینے والا ہے سر بھی کون دیتا ہے دے دیکھو پوچھا بھی ہے دینے والا ہے سر چاہ ہمارا نبی کمزدوں کو رضا پوچھتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاں دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ